बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं दिखाने वाली हूँ दिल्ली का एक सबसे खूबसूरत पार्क जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ पार्क। साथ ही मैं घुमाने वाली हूँ यहाँ पे एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट जिसका नाम है विश्व शांति स्तूप। तो पूरा पार्क एक्सप्लोर करूँगी, साथ ही साथ आपको सारी जानकारी दूँगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ इंद्रप्रस्थ पार्क के बाहर। ये देख सकते हो इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगी एंट्री यहाँ से। और इस पार्क के तीन चार एंट्री गेट है, तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, पर मेन गेट ये वाला है, ये देखिए। और आपको इसके साइड में यहाँ पे मिल जाएगी पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो और एंट्री भी बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये इसकी पार्किंग, तो यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क हो रखी है, तो आप पार्क कर सकते हो, जिसका प्राइस होने वाला है 50 रुपीज़। सो गाइज, अगर आप बस से आना चाहते हो तो ये है बस स्टैंड, बिल्कुल ये इंद्रप्रस्थ पार्क के बाहर बस स्टैंड मिल जाएगा, बस से भी आ सकते हो। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हो ना, तो सीधा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप पहले जो एंट्री गेट पड़ेगा ना, वहाँ से एंट्री कर सकते हो। और जो मैं खड़ी हूँ, ये है थर्ड एंट्री गेट, तो आप पहले से एंट्री करोगे तो आपको वो सबसे पास पड़ेगा। तो ये देख सकते हो, तो काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, बात करें यहाँ की लोकेशन की, तो ये होने वाला है इंद्रप्रस्थ पार्क। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है इसका सरायखाले का निज़ामुद्दीन का, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और बात करें इस पार्क की टाइमिंग की, तो ये सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक यहाँ पे घूम सकते हैं। और इस पार्क की कोई एंट्री टिकट नहीं है, आप पूरा पार्क फ्री में घूम सकते हो। चलिए दोस्तों, एंट्री करते हैं और आपको पार्क दिखाते हैं, कितना खूबसूरत पार्क है ये। सुंदर लग रहा है भाई, तो काफी सुंदर नजारा है यहाँ का, पार्क काफी खूबसूरत होने वाला है ये वाला। सो गाइस, पार्क में देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ किड्स गार्डन, तो यहाँ पे बच्चे आराम से झूल रहे हैं, तो आपके साथ ही बच्चे वगैरह आए तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर देखिए, once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, our first time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase. तो गाइस, पार्क में आपको काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट मिल जाएंगे, देखिए ये पूरा फेस बनाए हुए हैं, आईज वगैरह। और काफ़ी लोगों ने देखो ये तोड़ भी दिए, तीन चार तो तोड़ भी दिए, तो भाई ऐसे नुकसान नहीं करना चाहिए कहीं पर जाओ तो आप। So guys, अभी मैंने दिखाया थोड़ा यहाँ का पार्क का व्यू, तो अब मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ का सबसे खूबसूरत चीज, जो कि आने वाले यहाँ का स्तूप है पीछे। तो चलिए और दिखाते हैं आपको स्तूप। और आपको एंट्री पे फ्लावर्स वगैरह दिख जाएंगे, काफी सुंदर एंट्री बनाई हुई है, तो इधर भी फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको, सब चलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यह है मेन एंट्रेंस, और आपको एंट्री गेट पे ही देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे काफ़ी सारी आपको स्टैचू वगैरह दिख जाएंगे, कलाकृति की हुई हैं, ये देखिए नमस्कार, ऊपर एलिफेंट वगैरह बनाए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये देखिए।
सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल उतारे, तो आप यहाँ पे जूते चप्पल उतार सकते हो। और आप ये चबूतरा देख रहे हो ना, तो यहाँ पे खास मौके पे आपको फंक्शन वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, तो आप ऊपर जा सकते हो। तो अभी मैं भी ऊपर जाऊँगी और आपको पास से दिखाऊँगी। और देख सकते हो यहाँ पे ऊपर छत्र वगैरह बनाया हुआ है और बुद्धा जी का यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। तो अभी चलते हैं। सो गाइस मैंने चप्पल उतार दिया, अब हम अंदर जाने वाले हैं। सो गाइस ये है बुद्ध भगवान की प्रतिमा, और ऐसी आपको तीन चार मूर्ति यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे एक मंत्र भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो चलिए और दिखाते हैं आगे। और ये पूरा गुंबद टाइप का बनाया हुआ है। सो गाइस ये पूरा गुंबद टाइप का बनाया हुआ है और ये बिल्कुल गोल आकार में बनाया हुआ है, तो एक राउंड भी कर सकते हो। और आपको बुद्ध भगवान यहाँ पे विश्राम करते हुए, तो आपको यहाँ पे चारों तरफ अलग अलग मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस ये पूरा स्तूप है ना संगमरमर का बना हुआ है, और ये ना पूरा घिरा हुआ है, तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते, तो आप बाहर से ही चक्कर लगा सकते हो। और सो गाइस ऐसे स्तूप आपको भारत में कई जगह देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपने लद्दाख वगैरह में देखा होगा। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पार्क बनाया हुआ है, पूरा पहाड़ी लुक में, पर वहाँ पे जाना मना है। यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगा हुआ है, पर वहाँ पे देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है, ब्रिज वगैरह, फाउंटेन वगैरह, तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो व्यू। सो गाइस ये चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, बच्चों के छोटे छोटे झूले। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये देखिए, तो आपको ये स्तूपा के पास मिल जाएंगे, ये स्तूपा के पास, और पार्क में भी है काफ़ी सारे झूले, तो आप कहीं भी झूल सकते हो। देखिए सो गाइस ये यहाँ की कैंटीन, तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है और प्राइस वगैरह दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो टी कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल, मसाला डोसा, वेज चाउमीन, सैंडविच आप यहाँ पर खा सकते हो। ये देखिए कैंटीन, चिप्स वगैरह भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और यहाँ पे सॉफ्टी वगैरह का काउंटर भी लग रहा है, क्या पता सॉफ्टी सैटरडे संडे मिलती हो। और सिटिंग देख सकते हो, ये सारी सिटिंग बनाई हुई, काफ़ी मस्त सिटिंग है, तो आराम से बैठ के आप यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस मैंने लिया है चाउमीन, और ये है 80 रुपीज़ की फुल प्लेट, तो भाई काफ़ी ठीक है क्वान्टिटी। और एक कोक लिया है, तो चलिए खाते हैं अब। सो गाइस टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे चाउमीन। सो गाइस यहाँ पे मोस्टली आपको कपल्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आज संडे नहीं है, पर संडे को अगर आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, एज ए कपल भी आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो। और ये है अभी MP थिएटर, और सामने आपको शूटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं। कितना बड़ा बनाया हुआ है तो गाइस ये पार्क काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारे आपको फ्लावर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जगह जगह। ये देखिए, तो काफ़ी मस्त गार्डन वगैरह बनाया हुआ है। ये देखिए, तो काफ़ी भाई पीसफुल जगह है, हरियाली है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, पिंक वाइट, आपको हर कलर के यहाँ पर फ्लावर्स मिल जाएंगे, सेटिंग वगैरह मिल जाएगी जगह जगह। देखिए सामने, तो भाई काफ़ी लोग विज़िट करते हैं यहाँ पे, सैटरडे संडे अगर आप आओगे ना तो भाई आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी, इतना क्राउड आता है। तो गाइस यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, तो मैं घूम घूम के थक चुकी हूँ,
सो गाइस यहाँ पे कपल्स के लिए खूबसूरत बनाया है, देखिए पेड़ों के बीच में। तो आप भी आना तो इस पॉइंट को मिस मत करना, तो काफ़ी अच्छी पॉइंट बनाया है कपल्स के लिए, तो यहाँ पे ज़रूर आना। सो गाइस पार्क के साथ में मिल जाएगा आपको यहाँ पे ट्रेन यार्ड, तो निजामुद्दीन वगैरह से जो ट्रेन आती है ना रुकती है, जो यहाँ पे रुकती है, ये देखिए काफ़ी सारी ट्रेन खड़ी है। और पीछे मिल जाएगा आपको हुमायूं टॉम्ब, ये देखिए यहीं से दिख रहा है, तो काफ़ी पास है हुमायूं टॉम्ब यहाँ से। और ये है पार्क, देख सकते हो काफ़ी अच्छा पार्क है। सो गाइस अभी आप पार्क देख रहे होगे पूरा खाली दिख रहा है, देखो पीछे से बिल्कुल भी कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि भाई अभी भाई समर स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी दोपहर में गर्मी रहती है, तो अगर आप विंटर टाइम में आओगे ना यहाँ पे, तो ये भाई पूरा ऐसा ग्राउंड फुल ऑन फुल रहता है, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं बच्चे झूला झूल रहे हैं, कहीं पिकनिक हो रही है। तो अगर आप आना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो, और या तो शाम के टाइम आ सकते हो, इवनिंग में भी काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो गाइस मैंने घूम लिया है पूरा इंद्रप्रस्थ पार्क, और भी काफ़ी अच्छा पार्क है, बड़ा भी काफ़ी है। तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो तो आप वीकेंड पर आ सकते हो, एज ए कपल आ रहे हो तो आप वीकडेज में आ सकते हो, क्योंकि अगर संडे को एज ए कपल आओगे आप तो यहाँ पे अंटर पंटर लोग भी आते हैं, क्योंकि ये पार्क फ्री है और ये बिल्कुल मेट्रो के साथ ही है, साथ ही आपको यहाँ पे नज़दीक ही मिल जाएगा, यहाँ का बस स्टैंड तो बिल्कुल इसके बाहर ही है, तो काफ़ी अच्छा पार्क है। अगर आप आसपास रहते हो दिल्ली में तो आप यहाँ घूमने आ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।